इन दिनों भोजपुरी की लकी गर्ल कही जाने वाली एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अपनी कई बातों को लेकर चर्चे में हैं। बता दें आपको कि आए दिन वो किसी न किसी नई फिल्म की शूटिंग करती हैं और साथ ही साथ आए दिन वो किसी न किसी फिल्म में स्पेशल सॉन्ग की भी शूटिंग करती हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं जिसमें उनके साथ नए एक्टर यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक नया चेहरा कह लीजिए उनको, जिनका नाम है आदित्य मोहन नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि इन दिनों आदित्य मोहन फिल्म काजल की शूटिंग में बिजी हैं जिसमें उनके साथ एक्ट्रेस काजल यादव नजर आएंगी और इस फिल्म के लिए इससे पहले काजल राघवानी भी स्पेशल सॉन्ग शूट कर चुकी हैं। तो वहीं अब आम्रपाली दुबे का ये अंदाज देखकर और आदित्य मोहन को साथ देखकर हर कोई ये अंदाजा लगा रहा है कि इस फिल्म में आम्रपाली दुबे का भी स्पेशल सॉन्ग देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में ये देखना भी काफी मजेदार होगा कि आम्रपाली और काजल के बाद और कौन सी एक्ट्रेस इस फिल्म में अपनी स्पेशल अपीयरेंस देती है और साथ ही साथ लोगों को फिल्म काजल कितनी पसंद आती है और ये फिल्म कब तक बनकर तैयार होती है और ये कब रिलीज होती है और साथ ही साथ भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कितनी कमाई कर पाती है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर ऐसी खबर आ रही है और कई बार आदित्य मोहन ये भी बोलते नजर आए कि फिल्म में एक भी आइटम सॉन्ग नहीं है और इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल सॉन्ग है और फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं एक सामाजिक मुद्दे पर आधारित है। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से जानने की रिपोर्ट।